हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारी एक चीज़ बढ़ती है, तुम्हारी दूसरी चीज़ भी वैसे ही बढ़ेगी। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, वो 2 रुपीज़ की है, क्लियर। तो मैं अगर 2 पेंसिल्स लेती हूँ तो कितने की हो जाएंगी, तो वो ऑब्वियसली 4 रुपीज़ की हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लो जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है तुम्हारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्लियर है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कार पार्किंग है जहाँ पर 4 घंटे के तुम्हारे 60 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, फिर 8 घंटे के 100 रुपये लगते हैं। तो ये कह रहे हैं ये बताओ कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे तुम लोग, एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम और नीचे लिख देते हैं उसके चार्जेस। ठीक है, सही। अब देखो ये कह रहे हैं 4 घंटे के तुम्हारे लग रहे हैं 60 रुपीज़, तो नीचे 60 लिख दो। ठीक, फिर ये कह रहे हैं 8 घंटे के लग रहे हैं 100 रुपीज़, नीचे 100 लिख दो। ठीक है, फिर तुम्हारे 12 घंटे के लग रहे हैं 140 रुपीज़। ठीक, 24 आवर्स के लग रहे हैं 180 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए चार्ट प्रिपेयर कर देते हैं हम ये। अब देखो हमें देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो ये मैंने x मान लिया, ये y मान लिया, तो दिस इज़ x1 है ना, और 60 क्या है तुम्हारा y1, दिस इज़ x2, ये है तुम्हारा y2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 4/60 किसकी इक्वल होना चाहिए, 8/100 के, अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो। ठीक है, क्लियर है। x1/y1 क्या होता है, x2/y2 के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम देख लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ज़रा सा दोनों के रेशियो, तो देखो मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 0। ठीक है, बल्कि इसको इक्वल टू ऐसे मत लिखो, इसको लिखो तो x1/y1 इज इक्वल टू, ऐसे करके लिखते हैं हम। ठीक है, अब देखो 2 1s are 2, 15। ठीक है, तो ये आ गया 1/15। x1/y1 कितना आया तुम्हारे पास, 1/15 आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो ज़रा सा x2/y2 कितना हो जाएगा। ठीक है, 8/100। ठीक, तो 4 से करो, 4 2s are 8। ठीक, 4 25s are 100, मैंने 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करा, तो ये कितना आ गया, 2/25। देखो रेशियोज डिफरेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x1/y1 इज नॉट इक्वल टू x2/y2, ये आपस में इक्वल नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो क्या है कि इसका मतलब ये तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्लियर। तो नो, दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर है, आ गया आराम से समझ में। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये कह रहा है तुम्हारा एक पेंट का मिक्सचर तैयार हुआ। ठीक है, उसमें अगर हम एक पार्ट रेड का डालते हैं तो 8 पार्ट उसमें बेस के डालते हैं तो वो मिक्सचर तैयार हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये सीधे सीधे तुम्हारा डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। कैसे, कि जैसे जैसे रेड का पिगमेंटेशन बढ़ेगा, उसके पार्ट्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे तुम्हारा बेस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मान लेती हूँ y1, इसको मान लेती हूँ y2, इसको मान लेती हूँ y3, उधर y4। ठीक है, तो देखो हमें पता है बच्चों 1/8, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है, 1/8 इज इक्वल टू 4/y1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो y1 कितना हो जाएगा, y को इधर लेके आओ, तो ये 8 × 4 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा y1 आ गया 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें y2 निकालना है, तो देखो 1/8 इज इक्वल टू 7/y2। ठीक है, सिंपल उसी तरीके से होगा, तो y2 हो जाएगा, ये y2 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो 7 8s are 56। ठीक है, आसान है। यहाँ पे तुम्हारे पास अगर 7 रेड के पार्ट्स हैं तो 56 तुमको बेस के पार्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। अब आ जाओ तुम
वन अपॉन एट इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन वाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा वाई थ्री आ जाएगा एट इंटू ट्वेल्व, तो एट टू ज़ार सिक्सटीन, एट वन ज़ार एट नाइन, 96 पार्ट्स ऑफ बेस तुमको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट में आ जाओ, वन बाय एट इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन वाई फोर, ठीक है। ये लास्ट वाला तुम्हारा वाई फोर हो जाएगा, तो वाई फोर हो जाएगा ट्वेंटी इंटू एट, एट टू ज़ार सिक्सटीन ज़ीरो, 160 पार्ट्स ऑफ बेस, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर थ्री पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री में ये कह रहे हैं कि अभी देखो क्वेश्चन नंबर टू करा हमने, उसमें क्या था, एक मिक्सचर तैयार करा था जिसमें एक पार्ट रेड का जा रहा था तो आठ पार्ट्स ब्लू के जा रहे थे, ठीक है। ये यहाँ कह रहे हैं कि एक ब्लू नहीं बेस, ठीक है। ये यहाँ कह रहे हैं कि एक पार्ट अगर तुम रेड का डालते हो इस क्वेश्चन में तो 75 ml ऑफ बेस जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हमें रेड का बताना है कितना जाएगा, कितने पार्ट्स अगर तुम्हारे 1800 ml ऑफ बेस पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का पहले ना मतलब समझा करो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, इनडायरेक्ट का है, तो ये डायरेक्ट का है सिंपली, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 1800 ml बी एक्स। हमने ये मान लिया कि एक्स जो है वो पार्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, तो के पार्ट्स कर दो, यहाँ पे तुम ml कर दो, ठीक है। तो मैं एक पार्ट पे 75 ml ऑफ बेस पड़ रहा है, ठीक है। तो 1800 ml पे कितना बेस पड़ेगा, रेड पिगमेंट पड़ेगा, ठीक है, वो हमने x मान लिया, ठीक। तो यहाँ से क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1/75 इक्वल टू एक्स अपॉन 1800, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, x इज इक्वल टू 1800 ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 75। मैंने क्या करा, x को इज इक्वल टू किधर ही छोड़ा, 1800 ऊपर ले आओ, ठीक है, क्लियर है। तो इसको करो ज़रा सा, 75 से करके देखते हैं, 5 1 5 5 5 25 5 3 15 5 6 30 0, ठीक है। ये तुम्हारा अब जा रहा है 24 टाइम्स, तो यहाँ पे 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर फोर पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है, जिसमें 6 घंटे में 840 बॉटल्स फिल करी जाती हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कह रहे हैं तुम्हें बताना है कि 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल करी जाएंगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स टू बी फिल्ड इन 5 आवर्स, ठीक है, 5 घंटे में द नंबर ऑफ बॉटल्स टू बी फिल्ड इन 5 आवर्स बी एक्स। मैंने इसको मान लिया कि एक्स नंबर ऑफ बॉटल है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तुम्हारा टाइम आ गया, टेबल बनाओ एक, ठीक, यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ बॉटल्स आ गई, ठीक। तो देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 6/840 इक्वल टू 5/x, है ना, 6/840 इक्वल टू 5/x, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे आ जाएगी बच्चों, x को इधर ले आओ ऊपर, तो ये हो जाएगा 5, ये देखो डिनोमिनेटर में, यहाँ आकर ये मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर में हो जाएगा, ये इधर ऊपर है तो इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 700, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 घंटे में 700 बॉटल्स भरी जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर फाइव पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव में ही कह रहे हैं, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया देखो तुम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो नॉर्मल आइज से, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऐसे देखना पड़ता है बैक्टीरिया, तभी तो थोड़ा बढ़ के आता है तब नज़र आता है। ये कह रहे हैं एक बैक्टीरिया जिसको मैं 50,000 टाइम्स उसकी फ़ोटो को एनलार्ज ज़ूम करता, ठीक है,
तो उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर बन के आता है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया निकालती है। देखो तुम्हारा अच्छा सा बैक्टीरिया ये, ठीक है, लग रहा है बैक्टीरिया। चलो तो देखो एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया विल बी एक्चुअल साइज, सॉरी द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो एनलार्ज हो क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय उसका कितने टाइम्स वो जूम हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इसको करो 5 1 5 5 1 5 0, 1 2 3 4 हो गए ना, तो 1/10^4 लिख सकती हूँ। तो ये 10^-4 सेंटीमीटर्स ये तुम्हारी एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया हो गई, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, एक और पार्ट है बच्चों। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस बैक्टीरिया को, इसके फोटो को 20,000 टाइम्स एनलार्ज करता हूँ, अब बताओ इसका कितना साइज आएगा, ठीक है। तो लिख दो लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी एक्स व्हेन एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स। जब ये 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाता है तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसका जो साइज आ रहा है दैट इज एक्स, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ऐसे फोटोग्राफ में लिख दो और ये लिख दो, फोटोग्राफ में ये लिख दो एक्चुअल लेंथ, ठीक है। उसका एक्चुअल आ रही है 5 सेंटीमीटर लेंथ, है ना, अटेन कर रहा है 5 सेंटीमीटर लेंथ, और एनलार्ज कितना कर रहे हो तुम लोग, 50,000 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है। अगला ये कह रहे हैं कि जब हम उसको 20,000 टाइम्स एनलार्ज करते हैं, तुम जैसा चाहो वैसा डेटा अपना बना सकते हो, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, ठीक है, कितना लेंथ वो अटेन करेगा। तो हमने उसको एक सपोज कर लिया है, ठीक। तो देखो 50,000/5 = 20,000/x, ठीक। यहाँ से x को मैं ऊपर लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20,000 को इधर ही रखो तुम, ये 5 इधर आ जाएगा ऊपर, ये 50,000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 4 0 4 0, 5 से 5, तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ आएगी दैट विल बी 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक शिप का मॉडल है, ठीक है। देखो जब भी शिप बनाई जाती है तो एकदम से तो हम पूरी शिप नहीं क्रिएट कर देते हैं ना, पहले हम उसका मॉडल बना देते हैं, ठीक है। इसका जो पोल है, जो मास्ट है इसका, ये कितना है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इस मॉडल का। तो जो एक्चुअल शिप है बच्चों उसमें इसकी जो हाइट है वो 12 मीटर है, ठीक है, क्लियर। ये कह रहे हैं कि अगर ये एक्चुअल में तुम्हारा 28 मीटर्स है तो तुम बताओ इसका मॉडल में हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ मास इन, इसे इरेज कर दूं मैं, ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे जो हाइट है दैट इज x सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेट द हाइट ऑफ मास इन मॉडल बी x, मैंने उसको x मान लिया, ठीक है बच्चों। तो हम इसको कैसे टेबल बना सकते हैं कि मॉडल में उसकी हाइट और एक्चुअल में उसकी हाइट कितनी आ रही है, ठीक है। तो देखो मॉडल में उसकी हाइट जब 9 सेंटीमीटर्स है तो एक्चुअली उसकी हाइट 12 मीटर्स है, ठीक है। जब मॉडल में उसकी हाइट, एक्चुअल में उसकी हाइट 28 मीटर्स है तो मॉडल में हमने ले लिया x सेंटीमीटर्स होगी, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वो है, तो 9/12 = x/28, ठीक है। क्या होगा यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x को इधर ही छोड़ोगे 28 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, है ना, ठीक। तो देखो मल्टीप्लाई करो ज़रा सा, 12 1 12, अच्छा नहीं एक मिनट रुको, इसको ये तुम कर लो 2 से कर लो, ठीक है, 2 6 12, ठीक, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। फिर करो 3 से कर लो, 3 3 9, 3 2 6, ठीक, 2 7 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 3 × 7, 3 7 21 सेंटीमीटर्स। तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। ये सेंटीमीटर्स में क्यों आ रहा है बच्चे, क्योंकि ये भी तुम्हारा सेंटीमीटर्स में था ना,
इसीलिए यहाँ पे तुम्हारी जो मिलेगी हाइट दैट विल बी सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि 2 किलो शुगर में 9×10^6 क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कितने क्रिस्टल्स होंगे 5 किलो चीनी में। ठीक, तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ शुगर, ठीक है, जिसका तुम टेबल बनाओगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो वेट, अगर 2 किलो वेट है तो कितने क्रिस्टल्स हैं, 9×10^6 क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर, इतने किलो चीनी में इतने क्रिस्टल्स हैं, दाने हैं उसके। ठीक है, तो ये बताओ 5 किलो चीनी में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी एक्स। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर बी एक्स, मैंने उसको अज्यूम कर लिया ये तुम्हारा एक्स है। ठीक है बच्चों, सही। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2/9×10^6 इक्वल टू 5/x, है ना। ठीक, तो देखो x को कैसे सॉल्व करेंगे, x को ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा x इधर, ठीक, हट गया यहाँ से x, ये डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले आओ, ठीक, ये तुम्हारा यहाँ से हट गया। ठीक है, ये इधर न्यूमिरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, 9×5=45, ठीक, तो मैं इसको 45 लिख देती हूँ, 45/2×10^6 आ रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, 22.5, तो आंसर हो जाएगा 22.5×10^6। लेकिन ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझको ये डेसिमल हटा के यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर मैं डेसिमल इधर मूव करूँगी तो मुझे 1 10 और चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, 6+1 हो जाएगा 7, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.25×10^7। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ उसके सेकेंड पार्ट पे। ठीक, सेकेंड पार्ट में बच्चों ये कहना है कि आप निकालो 1.2 kg में कितना क्रिस्टल होगा। तो मैं इसको y अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन 1.2 kg बी वाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटो, 2/9×10^6 इक्वल टू 1.2/y। ठीक है, y को ऊपर ले आओ तो यहाँ से हट जाएगा, इसको इधर ले लो कि यहाँ से हट जाएगा, 2 को नीचे ले आओ ये यहाँ से हट जाएगा, तो y कितना हो जाएगा ये। ठीक, चलो अब मैं क्या करती हूँ, ये डेसिमल हटाती हूँ तो 10 नीचे लग जाएगा, है ना। ठीक, 2×6=12, ठीक है, 6×9=54, ये नीचे डिनोमिनेटर में तो -1, ठीक, × 10^5। ठीक है, फिर क्या करोगे तुम, अगर मुझे यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, है ना, मुझे एक डेसिमल यहाँ लगाना है, तो ये हो जाएगा × 6। ठीक है, तो 5.4×10^6 विल बी योर आंसर। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इसमें डेसिमल का खास ख्याल रखना, कहाँ पे लगना है डेसिमल, कैसे लगना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, एक लड़की है रश्मि, ठीक है, वो एक ट्रिप पे निकली हुई है। ठीक, उसके पास एक मैप है जिसको फॉलो करती है। तो सपोज करो मैप पे अगर 1 cm है डिस्टेंस, तो उसने एक्चुअली 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उसने एक्चुअल में 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है, तो बताओ मैप पे कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा बनाकर, थोड़ा सा उसका फिगर बना के तब देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑन मैप, ठीक है, यहाँ पे लिख दो एक्चुअल डिस्टेंस कितना उसने तय करा है। ठीक है, तो देखो मैप पे बेटा 1 किलोमीटर है, नहीं आई थिंक मैप पर 1 cm, मैप पर 1 cm है, तो एक्चुअली उसने 18 किलोमीटर्स तय करा है ना। तो हमें बताना है अगर उसने 72 किलोमीटर्स ट्रेवल करा है तो मैप पे कितना होगा। तो
तो हम लिख देते हैं लेट द डिस्टेंस बी एक्स, ठीक है, मैंने इस डिस्टेंस को एक्स मान लिया। ठीक है बच्चों, तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/18 इक्वल टू एक्स अपॉन 72, सिंपल। ठीक, इस 72 को ऊपर ले आओ, ठीक है बच्चों, सही। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब मैप पे उसका कितना डिस्टेंस आएगा, 4 सेंटीमीटर्स। क्लियर, अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक। ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, इसकी लेंथ है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसका जो शैडो कास्ट हो रहा है दैट इज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर्स, ये इसका शैडो है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक और पोल है जिसकी हाइट हो गई 10 मीटर 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है, तो ये कितना अब तुम्हारा शैडो कास्ट करेगा। तो देखो बच्चों जितना बड़ा तुम्हारा पोल होगा उतनी बड़ी उसकी शैडो होगी, मानते हो नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो अगला काम क्या करना है, अभी तो हमें इसका सिर्फ मतलब समझ में आया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जितना भी ये डिस्टेंस है ना, जो इसकी हाइट है उसको हम दो यूनिट में हो रहा है, एक मीटर्स में एक सेंटीमीटर्स में, है ना, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर्स हो रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 मीटर्स को 500 सेंटीमीटर्स, ठीक, प्लस 60 सेंटीमीटर्स, ये हो गया तुम्हारा 560 सेंटीमीटर्स, एक यूनिट में कर लो ताकि आसानी हो जाए। फिर तुम्हारा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर्स, ये कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, सबको पता है, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर्स। तो देखो एक ही यूनिट इसका भी बना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यूनिट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, एक में यूनिट कर रहे हैं, है ना। अगला है तुम्हारा देख लो 10 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 मीटर्स है तो ये देखो सेंटीमीटर्स हो गए, 50 सेंटीमीटर, 1050 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको हम अभी रेज नहीं करेंगे, ये हमारे बड़े काम की चीज़ है ना, चलो। फिर तुम्हारा है 5 मीटर का जो अगले क्वेश्चन में, 5 मीटर वो कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर्स, ये लास्ट वाला, ठीक। तो इसको तो तुम लोग ना एक तरफ एक वो लाइन बना के लिख देना, ठीक। अब हमारा शुरू होता है क्वेश्चन, ठीक, चलो। तुम लोग नहीं रेज करना, मैं बोर्ड पे जगह बनाने के लिए रेज कर रही हूँ, तुम लोग नहीं रेज करना, ठीक। चलो देखो अब ये है तुम्हारा टेबल, बनाते हैं हम ज़रा सा, ठीक है। ये लिख दो हाइट, ये नीचे लिख दो उसकी शैडो। जब हाइट है इसकी पोल की 560 सेंटीमीटर्स तो उसकी शैडो कितनी है बच्चों, 320 सेंटीमीटर्स, ठीक है। जब हाइट है उसकी, ये तो नहीं, 1050 सेंटीमीटर्स, तो हमको उसको शैडो फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेते हैं लेट द शैडो बी एक्स, ठीक है, एक्स मीटर्स, हमने उसकी शैडो मान ली x सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है, सब देखो सेंटीमीटर्स में ही तो चल रहा है। चलो तो यहाँ से बच्चों x कितना हो जाए, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 560/320=1050/x, ठीक है। तो निकालो ज़रा x की वैल्यू निकालो यहाँ से, कैसे इसको करोगे, x ऊपर आ जाएगा, है ना, ठीक। यहाँ से हटाओ 320 इधर आ जाएगा, नीचे से हटाओ 560 नीचे आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 1050 × 320/560, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये तुम्हारा आ जाएगा, करो ज़रा से इसको सॉल्व करो, यू गेट द आंसर एज 600 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे जो तुम्हारी शैडो है दैट इज 5 मीटर्स, ठीक है। तो तुम्हें हाइट ऑफ पोल बतानी है, तो मैं हाइट ऑफ पोल को y मान लेती हूँ, शैडो 5 मीटर्स, मतलब सेंटीमीटर्स में करो 500 सेंटीमीटर्स, है ना। तो हमने मान लिया लेट द हाइट
ऑफ पोल बी वाई। ठीक है, क्लियर है? फिर ये दोबारा से डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो क्या कर सकते हैं, 560/320 इक्वल टू वाई अपॉन 500, है ना? चलो सॉल्व करो ज़रा इसको, कैसे सॉल्व करोगे? वाई इधर रहेगा, 560/500 डिवाइडेड बाय 320 इक्वल टू वाई, ज़ीरो से ज़ीरो चला जाएगा। ठीक है, फिर किससे करोगे तुम इसको, टू से करके देखो, 2 1s are 2, 2 6s are 12, फिर टू से करो, 2 2s are 4, 2 8s are 16, ज़ीरो। ठीक है, फिर कर लो इसको, 2 8s are 16, 1 4 0। ठीक है, फिर कर लो, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 0, 2 2s are 4, 35, ये कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो करना ज़रा सा, 25 into 35, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 12, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 7, तो ये 7 8, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 875 सेंटीमीटर्स। तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारी हाइट ऑफ पोल आ जाएगी 875 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आगे समझ में? अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि एक ट्रक है, ठीक है, वो जो है 25 मिनट में 14 किलोमीटर्स चलता है। ठीक है, तुम्हें बताना है वो 5 घंटे में कितने किलोमीटर्स चलेगा। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना लेती हूँ, यहाँ पे टाइम लिख दो, यहाँ पर डिस्टेंस लिख दो। ठीक है, ये देखो, ये मिनट्स में, इसको मुझे आवर्स में करना होगा, तो हम क्या करते हैं, 1 hour is equal to 60 minutes। ठीक है, तो 5 घंटे कितने मिनट हो जाएंगे, 5 6 30 0, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे 300 मिनट, है ना? सही, अब निकाल लेंगे हम आराम से। तो हमने अज्यूम करा, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, है ना, हम इसको एक्स मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बी एक्स किलोमीटर्स। ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो क्या करोगे, 25 upon 14 equal to 300 upon x। ठीक, 14 नीचे है तो ऊपर ले लो इसको, ठीक है, 25 नीचे है तो ऊपर है तो उसको नीचे ले लो, x ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही तो x की वैल्यू निकालोगे, ठीक, करो ज़रा से इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 0, फिर से करो, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 12 into 14, ये हो जाएगा तुम्हारा 168 किलोमीटर्स। मतलब ये कितना चलेगा यहाँ पर, 168 किलोमीटर्स। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।